कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूं आपके साथ। और आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूं उसका नाम है फ्रोजन पराठा या लच्छा पराठा। और ये जो है रमज़ान में सहरी के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और आप लोग इसको बनाइएगा, इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा पराठा बनता है। मैं अक्सर बनाती हूँ अपने घर में। तो चलिए उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो उसको थम्स अप भी ज़रूर कीजिए। तो चलें जो जो चीज़ें उसके लिए चाहिए पराठे के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, ये तकरीबन 1/2 kg के बराबर है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लिया है सूखा दूध जो होता है मिल्क पाउडर। और ये मैंने ली है आइसिंग शुगर, ये 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर घी जाएगा, इसके अंदर आप मार्जरीन या मक्खन भी ले सकते हैं। और हसबे ज़रूरत मैंने 1 टीस्पून लिया है सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के इसको गूंदूंगी और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूंगी। और उसके बाद फिर मैं इसके पराठे बनाऊंगी। फ्रीज किस तरह करना है वो भी बताऊंगी और एक पराठा भी बना के दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया इसके अंदर, ये मैंने आइसिंग शुगर डाल दी, ये मैंने सॉल्ट डाल दिया। पहले मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप दूसरी वाली शुगर को ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लीजिए और उसको भी मिक्स कर सकते हैं। इससे पराठे पे एक अच्छी सी शाइन आएगी। ये मिक्स हो गया, अब मैं इसके अंदर ये डालूंगी घी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी आटे में ताकि ये घी बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है मैंने ताकि ये हर जगह अच्छे से मिल जाए। ये देखें, ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक मीडियम सा डो गूंद लूंगी। कुछ लोग इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डालते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं उसको नहीं डालती। मुझे ऐसा लगता है कि उससे पराठे या अगर मैं नान बनाती हूँ तो वो थोड़े येलो हो जाते हैं, तो इसलिए नान तो सही लगते हैं लेकिन मुझे पराठों में नहीं पसंद वो। ये देखें, ये मेरा आटा जो है वो गूंद गया है। इसको मैंने 5 मिनट तक गूंदने के बाद अच्छी तरीके से इसको मैंने मुखियाँ लगाई हैं। तो ये देखें बिल्कुल अब ये चिपक नहीं रहा। ये देखें, ये मेरा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मैंने 5 मिनट तक मुखियाँ लगाई हैं अच्छे से। ये देखें बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब मैं इसको 10 मिनट का रेस्ट दूंगी और फिर उसके बाद जो है मैं इसके पराठे बनाऊंगी और आपको बताती हूँ किस तरह बनाऊंगी। अच्छा, इस पराठों के अंदर जो मैं लेयरिंग करूंगी, आप मार्जिन की भी कर सकते हैं, बटर की भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ यूनिपफ से करूंगी, क्रिस्को जिसको कहते हैं। तो अगर आपके पास यूनिपफ ना हो तो आप मार्जिन की कर लें। अगर मार्जिन भी नहीं है आपके पास तो आप 1 कप घी ले लीजिए, उसको मेल्ट करें और उसके अंदर 1 कप के बराबर बर्फ़ डाल के उसको रख दीजिए। जब बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी उसकी तो उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप उसको इस तरीके से यूँ निचोड़ निचोड़ के निकाल लें उसमें से घी। तो वो जो घी होगा फिर उसका पानी फेंक दीजिए। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा यूनिपफ बन जाता है होममेड। तो वो अगर आप करें वो ज़्यादा ईजी है वैसे, लेकिन मेरे पास क्रिस्को था तो मैं इसमें क्रिस्को के अंदर लगाऊंगी लेयरिंग। तो चलो मैं इसको रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे 15 मिनट बाद मिलती हूँ। ये देखें, इसको 20 मिनट हो गए, मेरे आटे को बिल्कुल सेट हो गया ये। अब मैंने इसको ऐसे लंबा लंबा कर लिया है पूरा और मैं इसके एक साइज के पेड़े बनाऊंगी। इसके तकरीबन 8 पेड़े बनेंगे। ये देखें, ये मेरे 8 ने 7 बने हैं। इसके ऊपर मैं हल्का हल्का घी लगाऊंगी ताकि ये ड्राई ना हो, बिल्कुल हल्का सा, और एक एक करके बनाती रहूंगी। ये देखें, मैंने ये एक पतला सा
इसको बेल के लंबा कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी यूनी पफ। ये देखिए ऐसी होती है यूनी पफ। इसको अच्छे से लगा के इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करूंगी। देखिए ये लग गई, ये देखिए बस। इसको ऐसे करके इसको मैं ऐसे पूरा रोल कर लूंगी। देखिए बहुत आसानी से हो जाता है ये। देखिए ये पूरी कोन सी बन गई। अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके ये देखिए इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी। ये देखिए और मैं बाकी सारे ऐसे ही बना लूंगी। ये देखें, ये मैंने एक और बेल लिया है। इसके ऊपर मैंने बेलने के बाद यूनी पफ लगाई और हल्का सा मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। अब मैं इसको एक और नए शेप से बनाऊंगी। इसकी मैं बारीक बारीक इस तरीके की कटर से या छुरी से, पिज़्ज़ा कटर से ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं, इस तरीके से बारीक बारीक इसकी बनाऊंगी मैं। ये देखें, मैंने सब पे जो है वो पिज़्ज़ा कटर से ऐसे लगा लिए इसके निशान और कटिंग कर ली। अब मैं इसको हल्के हल्के ऐसे फोल्डिंग करूँगी इसकी। ये हाथ से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा इस तरीके से। पूरे पराठे को मैं रोल कर लूँगी। इससे भी बहुत अच्छी लेयर्स आती हैं, लच्छे निकलते हैं पराठे के। ये देखें, ये पूरा रोल कर लिया मैंने। इसको मैं हल्के से यूं करूंगी और इसको इस तरीके से पूरा रोल कर लूंगी। ये देखें, ये देखें कितनी प्यारी इसके अंदर से लेयर्स निकलेंगे। ये देखें यहाँ पर, बस इसी तरीके से मैं बाकी सारे बना लेती हूँ और जब बेल लेती हूँ इसको 10 मिनट रखूँगी बना बना के, फिर बाकी के आपको जब सब बेल लूँगी तो फिर दिखाती हूँ। ये देखें, इसको 10 मिनट हो गए और अब मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी मैं। ये देखें इसकी लेयरिंग कैसी माशाल्लाह अच्छी लग रही है। इसको बस मैं ऐसे बना बना के देखें इसको मैं, ये मैंने प्लास्टिक ले लिया है इसी, इसके ऊपर मैं यूँ डाल के इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखती जाऊँगी। देखें मेरा एक तैयार हो गया। इसको अब मैं इस प्लेट में रखूँगी। इसके ऊपर एक और रखूँगी और सारे इसी तरीके से बनाती जाऊँगी। ये देखें, ये मेरा, ये देखें यहाँ पे मैंने प्लास्टिक रख ली थी काट के। ये देखें, ये मेरे 6 पराठे हो गए, मेरे 7 बने थे और अब ये लास्ट वाला मैं आपको बना के दिखाऊंगी फ्राई करके। ये देखें, ये लास्ट मेरा, इसको मैं फ्राई करूंगी। इसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगी। ये मैं उठाया इसको और ये मैं इसको ये देखें, इसको ये बिल्कुल बाजार का फ्रोजन पराठा लग रहा है और ये टेस्ट में भी बिल्कुल वैसे ही होगा। बस इसको मैं अब हल्के हल्के पहले सेकूंगी, फिर इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी, थोड़ा सा लगाऊंगी घी। ये देखें, इसको हल्का हल्का घी लगा के मैंने सेक लिया है पराठे को।
थोड़ा सा पीछे से करूंगी और ये फिर डन है, हो गया है। ये देखें आप इसके लच्छे देखें, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें कितने प्यारे इसके लच्छे आए, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसको सहरी पे बनाइएगा आप लोग, बना के रख लीजिएगा पहले से और इसको भी एंजॉय कीजिएगा सहरी में। इंशाल्लाह मैं सहरी की भी रेसिपीज़ दूंगी, सालन वगैरह की। ये देखिए मेरा पराठा तैयार है, और बाकी के जो मेरे बने हैं वो उसको मैं फ्रीज़ करूंगी, और उसको मैंने ये देखें इस तरीके से ये पूरे मैंने लगा के, ये देखें ऐसा लग रहा है बाज़ार से लेकर आए हैं। मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी मेरी ये वाली, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।